अब तक आपने देखा कि धन्नू तन्नू मन्नू ये समझ गई थी कि मुझे लाल रंग देखकर दौरा पड़ता है और हरा रंग देखकर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। इधर शौर्य और गर्व को भी वो लाल हरे रंग वाली बात समझ आ गई। इधर शौर्य ने फैसला किया कि वो मेरा इलाज डॉक्टर खुराना से कराएगा और उधर तन्नू ने यही फैसला किया सेम टू सेम। इधर मुझे डेन में एक बार फिर शॉक लगा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन और कोई ये बात नहीं जानता था। मैं घर पहुंचा और उसी वक्त वहाँ डॉक्टर खुराना भी आ गए। मैंने जैसे तैसे वहाँ से डॉक्टर खुराना को भगाया, लेकिन बेचारी धन्नू, उसे टेंशन हो रही थी कि अब उसके डैड जी ठीक कैसे होंगे। अब आगे चले कोई बात नहीं, ये डॉक्टर जो था ना ये तो फर्स्ट निकला। हम एक काम करते हैं, हम ना डैड के लिए एक और डॉक्टर ले आएंगे। मन्नू, इस डॉक्टर की जरूरत तुझे ज्यादा थी। How rude. आइडिया, कितने इंटेलिजेंट हुआ, क्या आइडियाज आते हैं मुझे। पता है भाभी, एक बार ना मैं मिर्ची की बर्फी खा रही थी तो मन्नू, आइडिया बताओ। ओह, आइडिया ये है कि हम लोग ना हम लोग भैया के पास जाते हैं मॉल में शॉपिंग करने। ओके, लेट्स गो। आइए आइए प्लीज। ये घर आपका है? कहा क्या हुआ? नहीं नहीं, हाँ छोड़िए, मैं आपके फादर का इलाज नहीं करूंगा, मैं कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता, बट वाई? वाई क्या, इसमें पूछने की क्या बात है? आपके फादर बहुत ही अजीब किस्म के आदमी है। नहीं, नहीं। अरे भैया, अपने डैड तो पूरी मुंबई में फेमस हो गए यार। डॉक्टर साहब देखिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर आप हमारे डैड का इलाज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? डॉक्टर साहब, हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हम दोनों बच्चों की हेल्प कर दीजिए प्लीज। ओके ओके ठीक है, यस, चलिए चलिए। ये नजारा मैं देख नहीं पाऊंगा। हमारे अंकल को शौक लगा था। रुक जा, अभी हम तुमको लगा था एक और एंड है। कहाँ जा रहा है? पूरा खेल खराब कर दिया। अरे खड़े क्या देख रहे हो, पकड़ो ना उसे। थैंक यू। यूर वेलकम अंकल। ओह स्वीट गॉड, डैड को प्रमिला भाभी का रेड सूट, कभी कुछ नहीं हुआ। डैडी, आप ठीक हो गए? शट अप ऑल ऑफ यू। क्या तमाशा बना रखा है, मुझे कहां कुछ हुआ था? बहुत कुछ हुआ है। आपको जब करंट लगा था ना तो लाल रंग देख के आप शुद्ध हिंदी में बात करने लगे थे। Really? और जब भी कोई अंग्रेजी में आपके सामने बात करता तो आप हंगामा मचा देते थे। भाभी, जाने दीजिए ना, जाने दीजिए। बीती बातें याद करके वैसे भी तकलीफ बढ़ी जाती है। पागल हो गए हो तुम सब। Thank God, uncle is fine now.
अंग्रेजी? पापा, मेरे इस घर में अंग्रेजी में कोई भी बोल सकता है। कौन है? मनु। ओए बाबा, हाय मनु, पता है कितना लंबा उम्र है तुम्हारा। हम अभी तुम्हारे बारे में ही सोचता था। मैं भी शाम से आप ही के बारे में सोच रही हूँ। सब ठीक है ना? तुम आज बहुत ही अजीब बिहेव करता है। तबीयत तो ठीक है ना मनु तुम्हारी? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं पूछ रही हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? प्यार की खातिर मनु, सच मनु, मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। और नसीब देखो, हम तो यहां ऐड पर कर आए थे। जब मैंने तुम्हें यहां देखा तो आई लव यू मनु, मैं तुमसे सच बहुत प्यार करता हूं। मिस्टर प्रेम, प्यार की ना पीपरी मत बजाओ। अभी चचा और गर्व ऐसा घुसन पे घुसन मारेगा तुम सोच नहीं सकते। और भैया सॉरी, वो लंबू पुलिस वाला, उसको पता चला ना तो बंदूक लेके ऐसे सर पे मारेगा, सीधा एनकाउंटर डिस्काउंट, समझे कि नहीं? घबराओ मत, मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया है। मतलब तुम भी मुझसे? प्रेम, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी, अ वेरी गुड फ्रेंड। इसका मतलब मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। बेवकूफ, बदअकल, मन्नू मैं तुम्हें ऐसा समझता था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया तुम कितनी समझदार हो मन्नू। वाह 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 वा। तो फिर जो राज तुम्हें पता चल गया है वो सबको पता चल जाने दो। ये? मैं सबको जाके बता दूंगा कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। नहीं प्रेम, मैं नहीं चाहती कि घर वालों की नजरों में तुम गिर जाओ, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज ही यहां से चले जाओ। ताकि कल को अगर हमारे बीच में कुछ होता भी है, तुम मेरे डैड से मेरा हाथ इज्जत से मांग सको। सच? मनु, तुम खूबसूरत तो हुई, लेकिन बहुत समझदार भी हो। स्वीट गॉड, आई ब्लश। तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हो, जल्दी आना। वो अचानक से मेरे वो ट्रांसफर लेटर आ गया था, तो जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आप लोगों को छोड़ के कभी जाते नहीं। लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो वैसे भी अब जाने वाले को कौन रख सकता है? डॉक्टर साहब, प्रोमिला, आप दोनों के बिना हमारा ये घर एकदम खाली खाली सा हो जाएगा। प्रोमिला, फोन करती रहना प्लीज। फिर कभी जब भी मुंबई आओगी ना, जरूर चक्कर मारना। हाँ चलो, हम लोग निकलता है डॉक्टर भाभी।
ठीक, बाय बाय बाय। डॉक्टर साहब। प्रमिला भाभी, आज चिपकोगी नहीं अपनी मोनू से? ख्याल रखना अपना। मेरी धनु जी को बचाइए। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। भैया क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? व्हाई? अरे बेटा, अरे बेटा, अरे वो क्या हुआ धनु जी? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। भाभी को क्या हुआ? भाभी जा रहे भैया, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर को बुला रहे। अरे अरे भैया, ओह स्वीट गॉड, भाभी को हिचकी आ रही है। ये शौर्य भी ना, हिचकी जैसे छोटी सी चीज के लिए इतना हाइपर हो गया। कौन सा पर? तू परे मर। एक मिनट भाभी, आपकी ये हिचकियां रोकने के लिए ना मेरे पास एक कमाल का नुस्खा है। एक लंबी सांस लीजिए, अब बस इसको 15-20 मिनट तक रोक के रखिए। गर्व बेटा, हाँ पागल हो गया क्या? बस अपनी सांस 15-20 मिनट रोक के रखो, अरे मर जाएगी। एक सेकंड फटे मामा, अब जल्दी जाइए भाभी के लिए पानी ले आइए, जाइए जल्दी। ठंडा या गरम? दोनों मिक्स करके लिया। अबे जा जल्दी। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, डोंट वरी भाभी, ये लीजिए पीजिए। धीरे पियो, धीरे। चलो। आइडिया। हाँ भाभी, आप ना जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का नाम लो, तो जो भी आपको याद कर रहा होगा ना उसके नाम पे हिचकी रुक जाएगी। सिंपल। ये कमाल का आइडिया किस महापुरुष ने बताया आपको? मॉम ने। पता है एक बार क्या हुआ था? एक बार ना डैड जो है वो नागपुर गए हुए थे, मॉम को बहुत जोर जोर से हिचकी आने लगी, जस्ट लाइक भाभी। तो फिर पता उनकी हिचकी कैसे रुकी? जीजा का नाम लेने पे। नहीं, बाजू वाले शर्मा अंकल का नाम लेके। कम ऑन भाभी, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का नाम लो जल्दी जल्दी। हाँ भाभी, ट्राई कम ऑन। कमल मामा, और कोई? श्याम भैया। भाभी भाभी, सासू मोम बोलते हैं। सासू मोम। राजा भैया। वाह, राजा भैया बोलते ही हिचकी बंद हो गई भाभी की। ओ स्वीट गॉड, हु इज राजा भैया? हमारी मामी जी की ननद की मासी का बेटा। काफी नजदीकी रिश्तेदार है। हाँ हाँ, हमारे बहुत पास के भाई हैं वो। अच्छा अच्छा। देखा धनु बहना, मैं वो
चोट लगने पे कैसे चीखते हैं? धनु बहन मैं आ गया। हाँ राजा भैया आप आ गए, चलिए चलिए अंदर चलिए। क्या राजा भैया आपको अपनी छोटी बहन की बिल्कुल याद नहीं आई ना, कितने दिनों के बाद आप आके हमसे मिल रहे हैं। अरे मेरी प्यारी, वो जो राखी बांधती है उसे क्या कहते हैं? बहना। मेरी प्यारी बहना, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जिस दिन तुम्हें याद ना किया। भैया वो है हमारे ससुर जी। नमस्कार। और उनके बगल में वो प्यारी सी लड़की मान्या चौहान और मनु हमारी ननद। हाय। ये हैं पते मामा। नमस्ते जी। ये हमारी देवरानी तनु। हेलो। और ये है हमारे देवर जी गर्व। नमस्ते। भाभी ये राजा भैया हमारे सारे कजिन्स में से सबसे प्यारे, सबसे मासूम, सबसे भोले, सबसे अच्छे हमारे राजा भैया। वैसे भैया आप इतनी रात को यहाँ? हाँ, और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? Why? वो क्या है ना कि हमारे पीछे वो जो जीप से घूमते हैं ना, जीप के ऊपर सायरन लगा रहता है, जो पकड़ के लेके जाते हैं पुलिस। हाँ पुलिस, वो हमारे पीछे पुलिस पड़ी है ना। धनु जी, शौरी जी, थैंक गॉड आप ठीक हैं, हम तो डर ही गए थे। ये कौन है? शौरी जी हमारे कजन राजा भैया। अरे हाँ वो एक बार आपने बताया था। हाँ एक मिनट, क्या ठीक है सर, मैं बस अभी निकल रहा हूँ, पहुंचता हूँ। ओके बेटा सब ठीक तो? डैड किसी आदमी ने अपनी बीवी का खून करके उसकी लाश को कहीं छिपा दिया है और भाग गया है। नहीं नहीं जीजा जी, ऐसा कैसे हो सकता है, लाश ऐसे कैसे गायब हो सकती है, वो तो वहीं थी सोफे के पास। भैया आओ स्वीट कॉर्न, इसका मतलब खूनी। नहीं, यू आर अंडर अरेस्ट। शौरी जी, अरे अरे भाग गया। धनु जी हटिए। नहीं हमारे राजा भैया बेकसूर हैं। देखिए धनु जी गौर से देखिए इस औरत को जो रिश्ते में मेरी भाभी है लेकिन इस क्रिमिनल को बचा रही है। क्रिमिनल नहीं है वो, हमारे राजा भैया है। ए, तू बाहर आता है यहीं पर तेरे को। शौरी जी हमारे राजा भैया जिन्होंने आज तक एक बक्खी को नहीं मारा, आप कह रहे हैं कि वो मक्खी। चलो ठीक है मक्खी थी, लेकिन हमारे राजा भैया अपनी ही बीवी का कत्ल करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। दारु बेटा कानून के रास्ते में रुकावट बनना भी गैर कानूनी काम होता है। हाँ। That's illegal. You know what I mean? आप लोग हमारी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? हमारे राजा भैया ऐसे नहीं है, जरूर कोई उन्हें फंसा रहा है। हाँ, बहना ठीक कह रही है, ये जरूर किसी की वो मोरनी की सबसे स्पेशल चीज क्या होती है? चाल। हाँ चाल, ये जरूर किसी की चाल है। तुम तो जानती हो बहना मैं शीला से कितना प्यार करता हूँ, मेरा उसका खून क्यों करूंगा? कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो ये राजा भैया हमारे घर क्यों आता और वो भी धनु जी से मिलने। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।